इतने सालों तक टिका रहा और उस हाई को इसने निकाला जाके 2021 में। तो आई थिंक जब 13-14 साल के बाद रेंज ब्रेकआउट हुआ है तो ब्रेकआउट बड़ा डिसेंट है और टाइम फ्रेम्स इनके पास जिस तरह के होराइजन है तो उसमें डेफिनेटली ये स्टॉक एक अच्छी आउट परफॉर्मिंग कैटेगरी का स्टॉक बना हुआ है और आगे भी उस क्षमता को बनाए रखेगा। बट ये भी समझ के चलें कि भाई थोड़ा ये जो सेक्टर है थोड़ा सिक्लिकल कमोडिटी बेस्ड सेक्टर है तो थोड़े बहुत उतार चढ़ाव यहाँ आते रहेंगे। तो विद इन नेक्स्ट 12 to 18 months के दायरे से उसको पहले देखूं स्टेप बाय स्टेप, तो मुझे लगता है कि ठीक है यहाँ से इतना करेक्शन अब आ चुका है तो वर्स्ट केस में मुझे लगता नहीं कि 170 180 के नीचे आइडली जाना चाहिए अनलेस अनटिल कुछ बहुत ज्यादा बिगड़ जाए। तो आई थिंक अब 200 के आसपास चल रहा है, एक 10-12% का डाउनसाइड आपको लेके चलना ही पड़ता है किसी भी इन्वेस्टमेंट में जब आप लंबे अवधि के लेके चलते हैं। बट मेरा मानना ये बहुत जरूर ये है कि ये जरूर अपने 200 जिसके जो इसने हाईज रखे थे जो 298 के, तो मुझे लगता है 298 के हाईज ये निकालेगा 18 महीने के अंदर और 300+ के भी टारगेट्स बनाएगा। तो यहाँ से भी बहुत अच्छे पैसे 30-35% यहाँ से अपसाइड मेरे हिसाब से 12-18 महीने में यहाँ पे बाकी है। वर्स्ट केस मैंने बोला 170-180 के लेवल्स हैं तो जो वहां पे उसके नीचे कहीं अगर इनको स्टॉप लॉस भी रखना है तो रखें 168 के आसपास, बट मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें। जी डॉक्टर साहब, इसमें फंडामेंटल जो कहानी है, देखिए ये यूज़ केस में ज़्यादा जा रहे हैं, जैसे चार्जिंग स्टेशंस ये बड़े पैमाने पे लगा रहे हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग के लिए है, तो वो तो इनका एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस है और धीरे धीरे ये रिन्यूएबल को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं। तो बात जहाँ तक थी कि लिथियम बैटरी की या तमाम, तो इनकी जो सब दूसरी कंपनी है इसी ग्रुप की टाटा केमिकल्स, वो एक फैक्ट्री लगा रहे हैं, वो अलग है, सेपरेट है। टाटा पावर बेसिकली क्या कर रहा है कि वो बहुत सारे चार्जिंग स्टेशंस लगा रहा है जो ईवी प्ले इनका है, और दूसरा ये बहुत सारे रिन्यूएबल में जा रहे हैं, जैसे जो अलग अलग अल्टरनेट फ्यूल्स हैं, फॉसिल फ्यूल के, यानी कोयले से अलग जो फ्यूल्स हैं उन पे ये जा रहे हैं, तो इनको आगे स्पेस काफ़ी बनता है, गुंजाइश दिख रही है। अगले 10, 12, 15 साल तक आप ये मान के चलिए डॉक्टर साहब कि ये जो एनर्जी मिक्स है ये एक साथ चलेगा, ऐसा नहीं कि एकदम से कोई चीज़ रिडंडेंट हो जाए उसमें, सारी चीज़ गैस भी चलेगी, विंड पावर भी चलेगी, लिथियम बैटरी भी चलेगी, सारी चीज़ें एक साथ चलेंगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जब अपने आप को शेप अप करेगी कॉस्ट वाइज तब शायद कोई एक चीज़ ले। तो चूंकि इन्वेस्टमेंट जो आप लोग करते हैं 5-10 साल के लिए, तो वहाँ तक मुझे इसमें कोई एज ऑन डेट बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती। टाटा पावर बहुत ही साउंड कंपनी है और जिस तरीके से अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं नए बिजनेसेस की तरफ वो इनके फेवर में जाता है, तो इसलिए फंडामेंटली भी कोई दिक्कत नहीं है।